तो जय माता दी, जय महादेव। आज हम चल पड़े हैं खाटू की ओर, और क्योंकि कल है श्री श्याम बाबा का जन्मदिन और हम बाबा का बर्थडे मनाने जा रहे हैं। वहाँ पे कीर्तन होगा और मेरे साथ बने रहें। अभी हम गुड़गांव में, आज 3 तारीख है, और पीछे मेरे सागर भाई, और कल मिलेंगे हम खाटू में। मेरे साथ बने रहें। जय माता दी, जय महादेव, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अगर आप खाटू दर्शन करने बाबा श्याम के जाना चाहते हैं तो दिल्ली से जयपुर के रास्ते के बीच में शाहपुरा नाम की एक जगह पड़ती है, जहां से आपको सीधे हाथ की ओर मुड़ना होता है, और आपको ये मार्ग शाहपुरा से रिंगस और रिंगस से खाटू धाम की ओर ले जाएगा। अब हम रिंगस पहुंच गए हैं। यह रिंगस है, यहां से रेल मार्ग भी जुड़ता है। मेरे दाईं ओर रिंगस रेलवे स्टेशन है, जहां खाटू जाने वाले यात्री सर्वप्रथम यहीं पहुंचते हैं और यहां से अपनी निशान यात्रा शुरू करते हैं। राजस्थान अपनी कलाकृतियों के लिए भी विख्यात है। आपको यहाँ दीवारों और मार्गों पर यहाँ की कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। शाम शाम तो मैं रटूं, शाम है जीवन प्राण, शाम भक्त जग में बड़े, इनको करूं प्रणाम। यहाँ रिंगस से भक्त जन अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। बाबा श्याम के नाम का यह निशान उठाकर 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा रिंगस से खाटू तक की संपूर्ण करते हैं और बाबा के श्री चरणों में अपना निशान अर्पण करते हैं, और बाबा का आशीर्वाद ले अपनी मनोकामना संपूर्ण करते हैं। आज श्री श्याम बाबा का जन्मदिन है और भक्तों का ताता लगा हुआ है। तो भाई साहब, फाइनली पहुंच गए खाटू, और भाई बड़ी मुश्किल से आए हम। यहाँ तो पहुंच जाते 5 बजे ही, लेकिन 1.5 घंटा ना हमारे को घूमते घूमते हो गया, 6 बज रहे हैं, क्योंकि हम बहुत जंगल जंगल में से आए हैं। आने वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है यार, क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है। फाइनली पहुँच गए हम, और जैसे कि मैंने बताया था, बड़ी मुश्किल से हम पहुँचे हैं, और ये है हमारी धर्मशाला, 2 तारीख वाली धर्मशाला। आओ मैं दिखाता हूँ। श्री श्याम श्याम भजी बारंबार, सहज ही हो भव सागर पार, इन सम देव ना दूजा कोई, दीन दयालु ना दाता होई। जब आप खाटू आते हैं तो आपको इस प्रकार की बहुत सारी धर्मशालाएं प्राप्त होती हैं, जहां आप विश्राम कर सकते हैं, और यहां 11 के दिन हर एक धर्मशाला, हर एक घर, हर एक मंदिर में बाबा श्याम के नाम का कीर्तन होता है। बड़ा ही भव्य नज़ारा होता है। आज बाबा का जन्म दिवस है, तो बाबा के नाम का संकीर्तन आज हमें यहाँ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 2 तारीख वाली धर्मशाला बड़ी ही सुंदर धर्मशाला है। आज यहीं हम पहले यहाँ विश्राम करेंगे, उसके बाद शाम को बाबा श्याम के नाम का कीर्तन यही होगा। यहाँ विश्राम करने के तत्पश्चात हम थोड़े समय के बाद बाबा श्याम के दर्शनों को जाएंगे, बाबा श्याम कुंड के दर्शन करेंगे, और श्री श्याम बाबा जी के मंदिर में जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे।
तो अब हम निकल पड़े हैं बाबा के दर्शनों के लिए और खाटू के सुंदर सुंदर नज़ारों का अवलोकन करने के लिए। आइए चलते हैं। आप जैसे ही खाटू की पावन गलियों में कदम रखते हैं, तभी से आपको जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय, आपको बाबा के पावन जयकारों की गूंज सुनाई देने पड़ती है और आपका मन प्रसन्न हो उठता है और बाबा के दर्शनों के लिए विचलित हो जाता है। हम जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ते हैं, हमारे दोनों तरफ चारों ओर श्री श्याम नाम की गूंज तो गूंजती है और बाबा के भक्तों ने आने वाले सभी भक्तों के लिए धर्मशालाएं और भोजन का भी प्रबंध कर रखा होता है। इन धर्मशालाओं में आपको भोजन और कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं। श्री खाटू धाम की पावन गलियों में से होते हुए अब हम पहुंच गए हैं श्याम चौक पर। यह श्याम चौक है। यहां से हमारे दाईं ओर मंदिर के लिए रास्ता जाता है। आप ये जो भीड़ देख रहे हैं सारे दर्शनार्थियों की है। यह सब दर्शन के लिए ललाहित हैं बाबा के। आइए हम भी चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ श्री श्याम कुंड के दर्शन करने होते हैं। तो हम पहले श्री श्याम कुंड के दर्शन करेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। आप ये जो मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट में प्रसाद, फूल, माला, पूजा सामग्री और सबसे प्रिय जो बाबा श्याम को प्रिय है, सुगंधित इत्र, वो आपको यहाँ प्राप्त हो जाता है। जिसे निहारने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी, वो समय आ गया है। हमारे सामने श्री श्याम बाबा का वो पावन दरबार है जहां लाखों यात्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो पूरी दुनिया में हार जाता है उसे यहां सहारा मिलता है, क्योंकि यहां मेरा श्याम हर एक का सहारा बैठा है, जो सबको सहारा देता है। बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। भाई भीड़ बहुत है, अभी दर्शन करने जा रहे हैं और देखते हैं, अगर लाइन ज्यादा नहीं हुई तो दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी है तो हमें 5 बजे वहाँ भी लगाना है ग्रुप अपना, इसलिए हम अगर जल्दी दर्शन हो गए तो दर्शन करेंगे। आइए पहले हम श्याम कुंड के दर्शन करते हैं, फिर आगे चलेंगे दर्शन करने। Thank you.
श्री श्याम बाबा के दर्शनों को जो भी यात्री यहाँ पधारते हैं वह सर्वप्रथम पहले श्री श्याम कुंड में स्नान आदि करते हैं, तत्पश्चात बाबा के दर्शनों को जाते हैं। हमें समय कम था तो हमने स्नान न कर कर सिर्फ हाथ मुँह धोए और बाबा के दर्शनों के लिए आगे अग्रसर हो गए। कहते हैं इस श्याम कुंड में स्नान मात्र से तन के सभी रोग और चर्म रोग आदि जैसे सभी कष्ट मिट जाते हैं। इस कुंड में कहां से जल आता है आज तक किसी को नहीं पता, यह भी एक यहां का बहुत बड़ा रहस्य है। श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम चल पड़े हैं बाबा के दर्शनों के लिए। हमारी आंखें ललाहित हैं उस श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जो जग के कष्ट हरने वाले हैं। मेरे श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय खाटू वाले, जय श्री श्याम। आज बाबा के जन्म दिवस पर खाटू में लाखों यात्री पधारे हैं जो बाबा के जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ आए हैं और बाबा से बस एक ही बात कहते हैं, बाबा आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और चारों तरफ जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम की आवाजें गूंज रही हैं। भाई बहुत भीड़ है, अभी रोक रखा है, अब हम चल रहे हैं। देखो शाम प्यारे की, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। बलहारे के सहारे की, बलखदातार की। श्री श्याम बाबा के दर्शन इस बार शायद हमारे नसीब में नहीं थे क्योंकि हमें लाइन में ही इतना समय हो गया कि बाबा के कीर्तन का समय हो रहा था, हमें वहाँ भी हाजिरी लगानी थी, तो हम यहीं से वापस अपनी धर्मशाला की ओर चल दिए ताकि बाबा के कीर्तन की तैयारी कर सके। तो आइए धर्मशाला जाने से पहले हम भोजन कर लेते हैं क्योंकि लाइन में लगे लगे बहुत समय हो गया था और हमें भूख लग रही थी। तो हमें यहाँ होटल पर राजस्थानी खाना हमें मिला जो बहुत ही स्वादिष्ट था, जिसमें दाल, आलू की सब्जी और गट्टे की सब्जी जो राजस्थान में बनाई जाती है और चूल्हे की रोटी हमें यहाँ प्राप्त हुई। और भोजन करने के बाद हम पहुँचे धर्मशाला जहाँ हमारे श्री श्याम बाबा का कीर्तन है और बाबा का हम जन्म दिवस बड़े ही हर्षो उल्लास से मनाएंगे। कहिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आइए चलते हैं बाबा के कीर्तन की ओर। जय श्री श्याम। भाई साहब पूरा दिन घूमने के बाद बाबा के दर्शन तो नहीं हुए लेकिन उनकी चौखट पे मत्था ज़रूर टेक लिया क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम हो रहा था और हमें लाइन में इतना टाइम हो गया
कि अगर हम लाइन में लगे रहते तो प्रोग्राम नहीं कर पाते। बाबा का कीर्तन भी करना था जिसके लिए हम आए हैं, बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए। तो आइए चलते हैं, रेडी होते हैं और बाबा का कीर्तन करते हैं और बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। जय श्री श्याम। हम कीर्तन के लिए रेडी हो ही रहे थे तो मेरी नज़र यहाँ आज देवठान भी है तो शादियाँ शुरू हो गई हैं तो राजस्थान की एक बारात पर पड़ी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। श्री श्याम बाबा ने आज मंदिर में दर्शन तो नहीं दिए लेकिन हाँ वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। बाबा ने मंदिर की जगह अपने पंडाल में ही हमें अपने दर्शन दे दिए। बड़ा ही सुंदर सलोना रूप है। कल
बाबा का लेके करोगे कोई काम हो राही पब्लिक नहीं आती है।